दर्शन कराते हैं पुरातन मंदिर सिद्ध शक्ति पीठ मंदिर काली द्वारा दे जिथे कि भगत अपने बच्चों नूं लंगूर बना के लैके आउंदे हन। ते भारत विच दो अजिहे मंदिर ने जिथे बच्चों नूं लंगूर बनाउंदे हन अते इह मंदिर हन अमृतसर अते दूसरा बटाला च। अस्सू महीने दे नवरात्रे दा पहला दिन है अते इन्हां नवरात्रियां विच पूरे भारत विच दो अजिहे मंदिर हन जिन्हां विच भगत अपने बच्चों नूं हनुमान जी दा बाल रूप लंगूर बना के लियांदे हन, जिन्हां विचों इक मंदिर अमृतसर है अते दूसरा सिद्ध शक्ति पीठ मंदिर काली द्वारा बटाला च है, जिथे भगत अपने बच्चों लंगूर बना के ढोल के नाल नचते गाँवते रोजाना दो बार मत्था टेकन आते हैं। जे गल करिए श्रद्धालुओं की तो उन्हों का कहना है कि साड़ी सुखना सी कि माता राणी साढ़े घर पुत्र की दात बख्शे तो असी उस बच्चे लंगूर बनावांगे। असी ढोल नाल दस दिन रोजाना दो बार मत्था टेकन आना है। उत्थे ही मंदिर के महंत का कहना है कि इन्हों दिनों पूरे शाकाहारी रहना है, जमीन पर सौना है, चप्पल नहीं पाउणी, अपना पाठ पूजा करनी है। लोग दूरों दूरों आ के लंगूर बनाउंदे हन अते माता राणी सब दीआं आसां मुरादां पूरीआं करदी है। महामाई की हाजरी च काली द्वारे दरबार महामाई दीआं भेटां गाण दी सेवा बख्शी। अश्विन नवरात्रे शुरू हो गए, बड़ा चा है संगतां नूं। ये महामाई काली द्वारे वाली दा दरबार है और संपूर्ण हिंदुस्तान च जिहड़े लंगूर बनाउंदे ने या अमृतसर या अश्विन नरातियां च इत्थे लंगूरां दी प्रथा है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों जिस तरह भी उन्हां दी सुखना है उहदे मुताबक लंगूर बना के इत्थे मत्था टेकदे ने और संगतां इस दरबार तो जो मंगदी है महामाई उन्हां दी आस मुराद पूरी करदी है और इस तरह ही संगतां माई की हाजरी भरदी रहन। सारयां नूं नरातियां दी बहुत बहुत वधाई होए, जय माता दी। वैसे अपने मन की श्रद्धा नाल ही मान लिया ही कि बच्चों ने लंगूर बनाना सी। इहदा ते परहेज बहुत है, इहदा मंजे ते नहीं सौना, कोई किसी की घर की चीज नहीं खानी, चाकू ना कट्टी हुई चीज नहीं खानी। माता रानी इन्हां नूं नेक बुद्धि पाए। बस यही मैनू बस यही है, छोटे छोटे बच्चे बनते सी कि मैनू ही साढ़े घर बच्चा होएगा काका होएगा तो असीं भी बनावांगे। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਦੇ ਕੱਟਿਆ ਵੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੋਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ ਉਨੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਸੋਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ। ਦਸ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, जो भी आप रेगुलर करते हैं करे, जो जगाओ आके इतने मत्था टेकना दो टाइम सवेरे और शाम, ऐसे ड्रेस से मत्था टेकना बच्चे का बस। हाँ जी आप बटाले तो ही हैं, लोकल तो ही। जय माता दी। सब तो पहला शहर वासियों को महामाई के नवरात्रियों की शुभकामनावां। जिस तरह कि सानू सारयां नू पता है कि महामाई के जो भी नवरात्रे आते हैं माँ के मंदिरों के भगत बहुत हर्षोल्लास के नाल आते हैं। बटाले दे विच नवरात्रियां दा खास महत्व है क्योंकि जिथे महामाई दे नौ स्वरूपां दी पूजा हुंदी है उत्थे नाल नाल ही इत्थे लंगूर प्रथा भी है, जो कि पूरे वर्ल्ड दे विच सिर्फ दो जगह ते मनाई जांदी है, एक अमृतसर दे दुर्गियाना मंदिर, एक बटाले दे श्री काली द्वारा मंदिर। इत्थे महामाई दी लंगूर प्रथा दा महत्व यह है कि जदों जदों भी महामाई भगतां दीआं झोलियां भरदी है तो वह अपने बच्चों नूं लंगूर के रूप के अश्विन मास के नवरात्रियों के मंदिर लैके आते हैं तो सवेरे शाम मत्था टकाते हैं। तो जदों दशहरा होता है दशहरे से मत्था टेक के इत्थे आके अपना चोला वधा देंगे। तो बटाले च महामाई की बहुत कृपा है तो मैं यो ही महामाई के अगे प्रार्थना करता कि अपनी कृपा भरिया हथ बटाला शहर वासियों के पूरे देश वासियों के उत्ते बनाए रखन, इस तरह ही बच्चों दी झोलियां भरते रहन। जय माता दी। मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है, मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। महामाई की जो प्रतिमा है स्वयंभू है, साढ़े बजुर्ग साढ़े दादा पड़दादा जी पूरी 9-10 जनरेशन लगातार इतों की 9-10 पीढ़ियां लगातार इतों की सेवा कर रहे हैं। सानू असीं बहुत सौभाग्यशाली मानने अपने आप को कि
मां ने अपने चरणी सानू लाया था तो इस तरह ही असी सेवा करते रहिए तो माँ इस तरह ही सारे दियां झोलियां भरते रहन। जय माता दी।